इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। बाबूलाल, बाबूलाल सर जी, देख बाबूलाल, मारे हाथ में जब रोकड़ा आ जाए साथ साथ रहिए, मारे हाथ में फूल। डरिए नहीं, डरिए नहीं सर जी, मैं हूं ना साथ में, बिंदास चलिए। हां चलिए सर जी। हटेली, ये मोटा उतना ही भारी लगता है जितना उसका बैग है। अरे अपन ने बड़े बड़े मोटे एक ही झटके में हल्के कर दिए। हाँ। क्या अपन अभी आता है? देख तू चल, अपन आती है अभी। लगता है थारो दिमाग के फाटक खुल गया। चलिए सर जी। बाबूलाल छोरो कौन है? सेठ जी, मुझे तो अच्छे खासे घर का जेंटलमैन दिखता है। जेंटलमैन? अच्छा अच्छा, चलो भाऊ साहब इंतजार कर रहे होंगे। बताओ शहर में हाथी कहाँ से आ गया? बाबूलाल पकड़ के रखियो, मैं दबाए हूँ, मतलब बांधे देता हूँ इसको। आप उठिए। अरे हम कैसे उठे? मारे को उठाओ भैया। उठा रहे, उठा 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 उठाओ। अरे छोड़ो छोड़ो, मारे को कहाँ पकड़े हो? क्यों रे छोरे, तन्ने मन्ने बेवकूफ समझो तो है? मारो रोकड़ो लेके भाग जाओगे? मैं अपने रोकड़ो ले जाने वाले को भागने छोड़ी दूंगा, अभी थारे को पुलिस में दूंगा मैं। पुलिस बाजू हटो, बाजू हटो, क्या लफड़ा है, क्या लफड़ा है, क्या लफड़ा है, पीछे हटो, बाजू हट। यस सेठ जी, व्हाट्स द प्रॉब्लम? बाबूलाल अब ये कौन है? लड़की है सेठ जी। इंस्पेक्टर सलाका चौधरी फ्रॉम क्राइम ब्रांच। बताइए क्या प्रॉब्लम है? अरे ये चोर है, मारो रोक लो लेके भाग रहा हूं तो। हां चोरी करता है? हां देख लीजिए आपका माल सलामत है कि नहीं। हां बरोबर है, बरोबर है जी। लेकिन इसकी क्या गारंटी कि माल आप ही का है? हां जी मारो माल है।
लेकिन इसका क्या सबूत है कि बैग आपका है? अरे मारे बैग पर मारो नाम लिखो है, गगनलाल छगनलाल मेरठिया। ओहो, गगनलाल छगनलाल मेरठिया। हाँ नाम तो ठीक है, लेकिन इसका क्या सबूत है कि आप ही गगनलाल छगनलाल मेरठिया हैं? मैं हूँ ना सबूत बाबूलाल, यही सेठ छगनलाल है और ये बैग इनका ही है। लेकिन फिर इसका क्या सबूत है कि आप बाबूलाल हो? ए छोरी मारो मतवल है इंस्पेक्टर। अरे इस बात का कौन सा सबूत है कि तू इंस्पेक्टर है? बोल क्यों, मैं आपको हेमा मालनी लगती हूँ? इसका मतलब मैं कोई और नहीं लगती हूँ? आप कोई और कैसे लग सकती है? जब मैं और कोई नहीं लगती तो मतलब मैं शालिनी चड्ढा हूँ। शालिनी चड्ढा, ये कौन सी बात है? पहले तो तेने कोई दूसरा नाम बताए तो। हाँ शलाका चौधरी। वो मेरा कोड नाम है, कोड नाम। ये रहा आपका बैग। एक बात और, किसी से नहीं कहना कि मैं क्राइम ब्रांच से हूँ। ना जी ना। ये मेरा टॉप सीक्रेट है। श्योर श्योर। ए चल बे थाने। अरे अरे बेबी कहाँ जा रही हो? सुनो बेटे कहाँ जा रही हो, जरा रुको तो सही। मुझे एक आइसक्रीम दो। नो बेबी नो, ये आइसक्रीम अच्छे वाला नहीं है, हम तुम्हें अच्छा वाला आइसक्रीम दिलवाएंगे। नहीं मुझे यही आइसक्रीम चाहिए और अभी के अभी चाहिए, वरना मैं पापा को बोल के तुम्हें अंधा करवा दूंगी। मालूम है योर फादर्स कमिश्नर ऑफ पुलिस, बट व्हेन आई सेड नो दैट मीन्स नो। मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। अरे कहाँ लेके जा रहे हो मेरे बच्ची को? बचाओ, कोई है, कोई है मेरे बच्ची को बचाओ। हेल्प 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 हेल्प। रुक जाओ वहीं, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ना। चल चल पीछे जाओ, गोली मार दूंगा। आगे मत बढ़ना, रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। शक्तिमान अंकल, शक्तिमान। ये क्या? जुर्म के रास्ते पर चलने वाली गाड़ी को शक्तिमान कभी आगे नहीं बढ़ने देता। चलो उतरो, उतरो। ए शक्तिमान, आज नहीं एक नवा बांधन काय झालास काय? आओ हवलदार भिंडे, लगता है तुम हिंदी फिल्में बहुत देखते हो। क्यों नहीं सुना है कि हिंदी फिल्मों में वारदात के बाद ही पुलिस आती है? वाह, तुमको कैसे पता चल गया? नहीं सर ऐसी बात नहीं है, अब आप तो जानते हैं कि शहर में चोरी डकैती कितनी हद तक बढ़ गई है, और आपकी तरह पुलिस गोल गोल घूमकर तो हर जगह पे पहुंच नहीं सकती,
इसलिए फिल्में देखने का मौका नहीं मिलता। साहब मेरे को तो मिलता है। थैंक यू शक्तिमान। तो ये रोड पे घूमता क्यों है? ये कमिश्नर ऑफ पुलिस की बेटी है। कमिश्नर का बेटी है? आ जा। और हवलदार भिंडे, इन लोगों को मरम्मत की आवश्यकता है, और मैं समझता हूँ कि मरम्मत करना तो तुम्हें अच्छी तरह से आता होगा। क्या बोलने का जरूरत है? क्या हिंदी फिल्में जो देखते हो। चलता हूँ। ऊपर क्या कर रहे हो? चल। शक्तिमान, यू आर ग्रेट। शक्तिमान। अरे पता नहीं शक्तिमान में ऐसा क्या धरेला है कि जब से तुम इधर आयला है ना, उसी का राग लाप रेला है। हटेली, आज मुझे पता चला है कि शक्तिमान क्या चीज है। ही इज ग्रेट, ही इज रियली ग्रेट। उसने 3-3 मशीन गन्स की गोलियों को हाथ में पकड़ लिया। ऐसा करिश्मा मैंने पहली बार देखा है हटेली। ओ, लव एट फर्स्ट साइट, पहली नजर में फ्लैट हो गई। ओ शराब, ऐसी कोई बात नहीं। अरे अपने को मालूम है, ऐसी वैसी क्या बात है हा? अर्ज किया है कि तुम मर मिटी हो जिस पर पहली मुलाकात में, दोबारा जब मिलोगी तो ले जाएगा सीधा हवालात में। आदाब। हटेली, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा तो बताओ फिर कैसी बात है? ओए, ऐसी वैसी कैसी कोई बात नहीं है, समझे? अरे जब ऐसी वैसी कैसी कोई बात नहीं है तो तुमने अपुन का बात काहे को नहीं किया? हाँ, अपुन ने सजेशन दिया था ना कि उसको एक मोटी सी रकम देगा अपुन। मैं उससे बात करने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहती, वो जूम से गायब हो गया। हाय, और वो तुम्हें घायल कर गया। मैं उसके लिए, मेरा मतलब है मैं शक्तिमान के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। अरे बाप, ये तो गई काम से। जोन पे डाले गए हर नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब करें अल्ट्रा किड्स जोन।